तो अभी देखो एक नंबर गेट एंट्री एंट्री भाई साहब क्या एंट्री हो रही है, ओ माय गॉड भाई साहब लोगों को सभी देखो गाइस, ये हैं वो लोग जो कि मैच का हिस्सा बनने वाले हैं और हिस्ट्री का हिस्सा बनने वाले हैं भाई। सभी देखो ट्रॉफी फाइनली सौंप दी गई है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को फाइनली ट्रॉफी सौंप दी गई है जो हम उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया को मिले। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी मैं हूँ अहमदाबाद में और क्यों आया हूँ भाई, एक स्पेशल चीज़ भाई, हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है आज, तो मैंने सोचा क्यों ना इस हिस्ट्री में मतलब हिस्सा लेते हैं और आप लोगों को ये हिस्ट्री दिखाते हैं भाई। अभी मैं हूँ, मैं दिखा देता हूँ, अभी मैं हूँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर होने वाला है 2023 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बट इस ब्लॉग को हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, मेट्रो से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो क्राउड होगा ना भाई यहाँ तो आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग से दिखाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। भाई अभी सीन देखो, ओ माय गॉड, ये है अहमदाबाद मेट्रो वर्ल्ड कप के दिन जहाँ पर आप क्राउड देख सकते हो। सो गाइस अभी यहाँ का सीन देखो भाई, मेट्रो से नीचे उतरते ही सीन देखो भाई साहब, ये है मोटेरा स्टेडियम मेट्रो स्टेशन। गाइस अभी मेट्रो स्टेशन के नीचे का सीन देखो आप भाई साहब, जिधर देखोगे नीली जर्सी नीली जर्सी नीली जर्सी। सो अभी देखो एक नंबर गेट एंट्री एंट्री भाई साहब क्या एंट्री हो रही है, ओ माय गॉड भाई साहब लोगों का क्राउड देख सकते हो आप, लोगों का क्राउड बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अपने भाई मिल चुके हैं और भाई के पास टिकट है, टिकट दिखाओ अपना, देख लो भाई ये है टिकट जो कि पहले से बुक कर रखा था, किस्मत बहुत अच्छी है। शशांक भाई जो कि दिल्ली से आए हैं, बरेली से आए हैं अपने, लेकिन क्या करें टिकट नहीं मिल पाया, हमारी तरह है भाई भी। इंडिया वर्ल्ड कप जीतनी चाहिए चाहे टिकट मिले ना मिले, ना मिले मैं हूँ क्रिकेट के लिए आज भी कुछ भी कहीं भी जा सकता हूँ मैं। अभी 1:30 बजे एयर शो स्टार्ट होने वाला है, फायर शो स्टार्ट होने वाला है, तो सबसे पहले तो हम वो दिखाएंगे, उसके बाद में 2 बजे स्टार्ट होगा मैच, 10-13 मिनट बाकी हैं एयर शो फायर शो होने में। अभी आप यहां का सीन देखो भाई, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, 1,20,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी वाला स्टेडियम है, और इसके बाहर का सीन देखो भाई, उस साइड में बहुत ही तगड़ा क्राउड है, बहुत ज़्यादा तगड़ा क्राउड है जहाँ से हम अभी होके आए हैं। सो अभी सुनो भाई लोगों का क्राउड भाई, कितना बड़ा स्टेडियम है। ओके भाई ऑल द बेस्ट, इंडिया को जिताना है और कप लेके बाहर आना, ठीक है कप लेके बाहर आना, हम बाहर ही वेट करेंगे, आना नहीं बाहर, हाँ मिलना मत, चलो भाई बाय बाय बाय। अभी यहाँ पर क्राउड देखो भाई, यहाँ पे चेकिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद में आगे एंट्री नहीं अभी हमारी। गाइस अभी देखो गाइस, ये हैं वो लोग जो कि मैच का हिस्सा बनने वाले हैं और हिस्ट्री का हिस्सा बनने वाले हैं भाई। क्राउड देखो क्राउड, ये तो सिर्फ वन साइडेड क्राउड है, गेट नंबर एक साइड का क्राउड है। तो गाइस अभी आप एयर शो देखो भाई, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर वर्ल्ड कप में एयर शो, ओ भाई साहब सारे लोगों की आंखें एयर शो की। यहाँ पर क्राउड देखो गाइस, यहाँ पर क्राउड देखो, एयर शो हो रहा था भाई, इंडिया इंडिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वो जा रहा प्लेन,
भाई। जय इंडिया, 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 इंडिया। सो गाइस यहां पर मैच स्टार्ट हो चुका है और अभी रन भी बन, दो चौके भी, अरे वाह 13 रन भी बन गए जो कि एक ओवर 4 बॉलों में 2 चौके लगे हैं। थोड़ा बहुत मैच चल रहा है, हम थोड़ा बहुत खा लें क्योंकि हमने कल से कुछ खाया नहीं। थोड़ी बहुत एनर्जी आएगी, देन अच्छी तरह से हम शूट करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। रिटर्न हम उधर ही जाएंगे, हम पूरा दिन वहीं पर रहेंगे, इधर तो बस कुछ खाने पीने के लिए आए हैं। सो भाई अभी हम वापस जा रहे हैं स्टेडियम की ओर क्योंकि बहुत सारे लोग जा चुके हैं और मैच स्टार्ट हो चुका है। भाई शुभम गिल आउट भी हो गया, ठीक है, और मतलब रोहित और कोहली की बैटिंग चल रही है अभी। अभी हमने कुछ खा पी लिया, चाय पी ली, वापस हम वहाँ जा रहे हैं। हमारे बाकी जो दिल्ली से टीम मेंबर आए हैं ना, उनसे भी मिलाते हैं, उनका क्या सीन है वो भी दिखाते हैं और फिर हम वहीं पर कंटिन्यू करेंगे अब वहाँ पर बैठ के। अभी बहुत क्राउड खाली हो चुका क्योंकि 120,000-125,000 जिसकी कैपेसिटी है वो सारे पहुंच चुके हैं अंदर। सो गाइस टाइम हो रहा है 5:32 और अभी यहाँ का हाल देखो भाई, पूरा एरिया खाली हो चुका है क्योंकि इन लोगों ने दोबारा अंदर जाने नहीं दिया। फर्स्ट बार एंट्री हो गई थी, दोबारा हुई नहीं। और अभी यहाँ पर मैच देखो, 219 रन हो गए और 8 विकेट गिर गए और ओवर कितने, 45 ओवर 5 बॉल है। देखो टारगेट क्या देते हैं कोई आइडिया नहीं, अब तो भाई बॉलर के ऊपर डिपेंड करता है मैच कैसे करके ट्रिक लगाए। क्यों नहीं आने देना आज, कुछ भी करना, रन कितने बने क्यों नहीं आने भाई। चेहरा ऐसा हो गया ना, एक्साइटमेंट इतनी थी ना, इतनी एक्साइटमेंट लेके आए थे ना, और अभी रन देखने के बाद में ऐसा हो गया, मतलब अजीब सा फील हो रहा है। साउथ अफ्रीका वाली जो टीम थी ना जब उसके साथ जो हुआ था मैच, वैसा वाला थोड़ा बहुत आ रहा है। फिर भी वेट कर रहे हैं, उम्मीद है, होप है, आशा है। देखो आशा पे तो पूरी दुनिया कायम है, हम भी कायम है। फर्स्ट इनिंग कंप्लीट हो चुकी है और टारगेट मिला है 241 का। भाई उम्मीद कर रहे हैं कि भाई शमी भाई आएँ और भाई खा जाएं ऑस्ट्रेलिया को, कच्चा खा जाएं। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि भाई कैसे करके इनके रन कैसे करके इनके विकेट गिराओ ताकि हम जीतें। वैसे देखा जाए तो रन सही बना दिए भाई, काफ़ी अच्छे बना दिए, 240 रन बना दिए, 241 रन का टारगेट है। ऑल आउट नहीं हुए सबसे बड़ी बात है। भाई लास्ट बॉल में रन आउट हुआ है क्या? लास्ट बॉल में रन आउट हुआ है, चलो कोई नहीं, लास्ट बॉल में अच्छा है, बॉलर है, बस अगर डीओ नहीं आनी चाहिए क्योंकि बॉल टर्न कर रहा है, विकेट काफ़ी स्लो है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इजी नहीं होगा भाई बनाना। तो हमारे बैटर नहीं खेल पाए सही से तो वो कैसे खेल, तो वो कैसे खेल पाएंगे। नेक्स्ट ईयर फॉर इंडिया आई होप कि यहाँ पर बस कोशिश करना, ये चेहरा जो ना दुआएं करो भाई, दुआएं, खुश होके निकले यहाँ से, भगवान को खुश करो भाई। 140 करोड़ लोग हो यार, क्या कर रहे हो भाई, कुछ करो। अभी यहाँ का क्राउड देखो भाई, यहाँ पर मीडिया स्टार्ट हो चुकी है अपना मतलब काम करने के लिए। इधर क्राउड देखो गाइस, सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो चुकी है। 15 रनों में पहला विकेट शमी भाई ने गिरा दिया है। बस शमी भाई के ऊपर डिपेंड है भाई, ऐसे गिराते रहो। 9 बॉल फेंकनी है, 9 को 9 गिरा दो भाई, दिल में छा जाओगे आप। अभी मैच देखो यहाँ पर कुछ ऐसा मैच हो रहा है, इस तरह से पूरे मतलब एरिया में ऐसे मैच देखा जा रहा है। यहाँ पर देखो इनकी टीम जीत रही है, इंडिया इंडिया। गाइस ऐसे हर जगह मैच हो रहा है, छोटा छोटा देखो, वहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं। सो अभी आप स्टेडियम के बाहर का सीन देखो भाई, अभी मे बी 60 रन बाकी होंगे लेकिन लोगों ने पहले प्रिडिक्ट कर लिया कि इंडिया अब नहीं जीत सकती क्योंकि सीन ही कुछ ऐसा हो रहा है। 33 ओवर हो गए हैं, ठीक है, 17 ओवर बाकी हैं और रन बहुत कम बाकी हैं इसलिए, और 3 विकेट गिरे हैं अभी, 7 विकेट बाकी है। तो मतलब लोगों ने पहले प्रिडिक्ट कर लिया इसीलिए लोग बाहर आ गए हैं और मतलब ये वर्ल्ड कप भी हम मतलब हार गए एक तरह से। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता बट लोगों के अकॉर्डिंग तो मतलब अब हार ही गए। तो गाइस लाइट शो स्टार्ट हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया फाइनली जीत चुकी है। वो काश इंडिया के लिए होता और ज़्यादा सेलिब्रेट करते हम अच्छी तरह से, बट अनफॉर्चुनेटली हम ये चीज़ें इस साल नहीं कर पाएंगे। और देखो नेक्स्ट साल के टाइम पर हमें मतलब 4 साल बाद कब हम जीते हैं नहीं जीते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है भाई। 2003 की हिस्ट्री रिपीट कर दी इन्होंने, बोला था ना हिस्ट्री क्रिएट होगी और हिस्ट्री क्रिएट हो गई फिर से। काश ये सब कुछ इंडिया के लिए होता, बहुत मजा आता। वर्ल्ड कप ट्रॉफी काश ये हमारी होती।
सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:52 और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन। पहले बैग उठाएंगे, फिर जाएंगे रेलवे स्टेशन, फिर गाड़ी पकड़ के अपने घर जाएंगे। हम मैच हार चुके हैं और बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं भाई। पहले सेमीफाइनल में बाहर किया, फाइनल में बाहर किया 2003 में, अब फिर फाइनल में बाहर किया, तो बुरा लगता है ऑस्ट्रेलिया से हारने में। बट कोई नहीं, इंडियन टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, हमेशा इंडियन टीम को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम इंडियन हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट मैच में, नेक्स्ट वर्ल्ड कप में मिलेंगे, फिर देखते हैं क्या सीन रहेगा। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक इंडियन टीम, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आपका जैसा भी था, बट कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है गाइस। अभी देखो ट्रॉफी फाइनली सौंप दी गई है ऑस्ट्रेलिया को फाइनली ट्रॉफी सौंप दी गई है, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया को मिले। बट कितनी अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रही है, देख रहे हो पनौती, ओह माय गॉड, ओहो भाई बहुत ही खूबसूरत। आगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी।